सब्सक्राइब करें दाऊद कंप्यूटर सेंटर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे एक यूजर फॉर्म जो लॉगिन के साथ होगा और उसमें क्या होगा जो हमारे जिस जिसको हमें लॉगिन कराना है उसका हम उसको परमिशन देंगे, वो कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूजर फॉर्म विद लॉगिन इसमें डबल क्लिक किया तो आपने देखा एक लॉगिन फॉर्म आ गया और एक बेसिक शीट पीछे खोल लीजिए। यूजर नेम में फिलहाल नहीं डाला, सीधे मैं यहाँ पे इसकी की डाला हूं जो एडमिन की है। तो आपने देखा इसमें एडमिन की ये खुल गई। अब यहाँ पे चार शीटें शो हो रही हैं। एक तो बेसिक शीट है क्योंकि एक शीट तो इसमें दिखेगी, बाकी हम ये तीन शीट जो है ये हम अपने एम्प्लॉय से बचाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिये नंबर वन शीट जो है ये हमने एडमिन पैनल दिया तो ये तो जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए बंदी रहेगी। अभी हमने क्या किया है ये यूजर ले लिए, कुछ यूजर नेम बनाए हैं, उसके आगे हमने ये शीट में हाइड शो कंडीशन दी है। एक साइड हमने लिखा हाइड शो और इसको हमने सेलेक्ट किया जितनी जगह में करना है और डेटा में आए डेटा वैलिडेशन, वहां से आपने ये रेंज ले ली। यहाँ पे लिस्ट में आए यहां से आप ये रेंज ले ली तो ये तो सिंपल आप पहले भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस तरह से किया जाएगा। अब हमने इसमें कुछ की बना ली इसकी कि भाई की कैसे काम करते हैं इसकी। अब ये की क्या है ये हमने इस तरह से बनाई है कि जब ये अमन की ये वाली डाले तो उसकी शीट टू जो है वो हाइड हो जाए और शीट थ्री जो है वो शो हो जाए। देखें अमन am underscore 2, शीट टू हाइड है शीट थ्री शो, तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूं और मैं यहां से इस शीट को खोलूंगा। अमन ले लिया मैंने am underscore 2, लॉगिन कर लिया, वेलकम टू दाऊद कंप्यूटर सेंटर। ओके, आपने देखा इसकी शीट थ्री और बेसिक शीट जो है वो तो खुलेगी, शीट थ्री वाली इसकी शीट खुल गई। अभी इसको हम एडमिन से लॉगिन कराते हैं। देखें एडमिन की हमने एक की दे रखी है, वेलकम टू एडमिन, तो उस कंडीशन में ये चारों शीट शो हो। अब इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है क्या कोडिंग है ये आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी से समझ जाएंगे इसको और मैं बहुत ये फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी कोडिंग वगैरह सब उसी के अंदर होगी। फिलहाल मैं आपको बताता हूं इसमें हमें कोडिंग कैसे करनी पड़ती है। देखिए आप अगर फर्स्ट पहली दफा कभी वीबीए या यूजर फॉर्म या कुछ बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने करना यह है, फाइल को सबसे पहले आपने सेव करना। फिलहाल मेरी फाइल तो सेव है तो मैं सेव एज करूंगा तो उस कंडीशन में आप नाम चेंज करके सेव कर सकते। और दूसरी बात इसमें आपने ध्यान देना है कि एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करना है। अगर आप मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव नहीं करेंगे तो आपकी फाइल क्या होगी, मैक्रो सेव ही नहीं होंगे, फिर वो फाइल वैसी चलेगी जैसे सिंपल फाइल होती है जिसमें कोई मैक्रो है ही नहीं, तो इसलिए ध्यान ये देना मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करना। चलिए कुछ लोग इस चीज को जानते होंगे वो भी इसमें धैर्य रखें, मैं आगे बहुत जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं, ये ना समझे कि मैं सिर्फ ये चीज सिखा के उन्हें छोड़ दूं। चलिए अब आगे चलते हैं। हम डेवलपर टैब एक्टिव करना है आपने। डेवलपर टैब में क्या है, यहाँ पे आप ऑफिस के आइकन में आए एक्सेल ऑप्शन में आ जाएं और इसमें शुरू में होता प्रूफिंग में सॉरी पॉपुलर में शो डेवलपर टैब इन रिबन, इसको लेना है आपने, ओके कर लेना। तो यहाँ पे डेवलपर टैब आ गया। अब ये डेवलपर टैब का काम क्या है, ये मैक्रो विजुअल बेसिक ये सब चीजें यहाँ पे सेटिंग होती है। अब हम अगर आ जाते हैं विजुअल बेसिक में तो विजुअल बेसिक भी एक्सेल का ही प्रोग्राम है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास चार शीट है। शीट वन देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये आपकी विंडो खुल के आई है विजुअल बेसिक।
sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, this workbook, और इसके बाद हमने यूजर फॉर्म लिया। अब हमने ये कैसे लिया, देखें शीट 1 में डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे उसकी कोडिंग दिखाएगा, शीट 2 की कोडिंग, शीट 3 की कोडिंग, शीट 4 की और दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब ये है जब भी आपकी ये फाइल ओपन होगी तो उस समय क्या है, जैसे प्राइवेट सब, जैसे वर्कबुक लेनी है आपने यहां से और यहां से ओपन करानी है, तो ये वर्कबुक ओपन होने का इस टाइप का हुआ है। अब इसमें ये जो कोडिंग है ये हमने देनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट, यानी जो हमारी वर्कबुक है, वर्कबुक अनप्रोटेक्ट। अभी देखो इसमें एक चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, वो आपने उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसमें प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। उस कंडीशन में हमने क्या किया, एक्टिव वर्कबुक का पासवर्ड ओपन किया, यानी कि एक्टिव वर्कबुक का पासवर्ड ओपन होगा तभी हम किसी शीट को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद दे दिया हमने कंडीशन, तो ये भी है कि एप्लीकेशन को विजिबल हटा दें, यानी एक्सेल ही ना दिखाई दे, लेकिन वो कंडीशन सही नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, यानी ये कोड नहीं चलेगा। उसके बाद दे दिया मैंने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी जब एरर आए तो उस कंडीशन में वो नेक्स्ट आगे पहुंच जाए, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अब शीट 1 डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, यानी शीट 1 जो है वो नहीं दिखाई देनी चाहिए, शीट 2 वो भी फॉल्स नहीं दिखाई देनी चाहिए, शीट 3 वो भी फॉल्स। तो ये तीन शीटों को हमने हाइड किया जब फाइल खोली, और पहले पासवर्ड खोला, फिर इन सबको हाइड किया, इनको हाइट किया, फिर पासवर्ड बंद कर दिया। उसके बाद हमने यूजर फॉर्म शो कर दिया पहला वाला। अब यूजर फॉर्म कहां से आएगा, तो देखें वैसे तो यूजर फॉर्म ये है, अगर यूजर फॉर्म फिर भी नहीं है आपके पास तो आप इंसर्ट से एक यूजर फॉर्म ले सकते हैं। जब आप यूजर फॉर्म लेंगे तो ये उसके टूल बार आएंगे और ये यूजर फॉर्म आएगा। अभी हमने क्या करना है, देखो ये है इसका लेवल, लेवल का काम कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे यूजर नेम और फिर लेवल ले लिया आपने, यहाँ पे ले लिया हमने की या पासवर्ड भी कर सकते हो। देखें यहाँ पे ये है टेक्स्ट बॉक्स और ये है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का काम ये होता है उसमें आपको सिलेक्शन करने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप ये है यहां से क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होने के लिए आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, सेलेक्ट होने के लिए नहीं आएगा। तो ये कौन सा है, कॉम्बो बॉक्स, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें चाहिए इसमें कमांड बटन, कमांड बटन क्या करेगा, उसमें क्लिक करेंगे तब वो इसका रिजल्ट देगा, तो कमांड बटन पकड़ के यहां खींच। अब इनके नाम बदल सकते हैं, इस पर एक बार क्लिक करना, आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। इसका नाम ले दिया हमने लॉग इन। अगर बाय द वे आपसे नाम नहीं एडिट हो रहा है तो इसमें क्लिक करेंगे तो इधर इसकी प्रॉपर्टीज आती है, वहां पे आप कैप्शन में इसका नाम दे सकते हैं, चाहे तो इसका नाम यहां से बदल सकते हैं, लेकिन यहां से बदलते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इसको यहां से आप नाम बदल लें तो ज्यादा बेहतर है। हम यहां कर दिया जैसे सीएमडी कमांड बटन सीएमडी लॉग इन एंड, तो ये CMD लॉगिन हो गया। इसी तरह से यूजर फॉर्म में क्लिक किया, यूजर फॉर्म का नाम हमने यहां पे रख लिया लॉगिन, तो ये यूजर फॉर्म में लॉगिन लिखा हुआ है। अब इस यूजर फॉर्म का नाम है 2, तो ये समझ में आ गया ये हमने कैसे कैसे बनाया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम चाह रहे हैं जैसे हम यहां से इसको रन करेंगे तो ये यूजर फॉर्म इस तरह से आ गया, ये अभी कुछ नहीं शो कर रहा क्योंकि हमने क्या करा है, इसमें एक रेंज लेनी पड़ेगी, जैसे हमने यहां से लेके यहां तक ये रेंज का एक नाम रखा है कि यूजर, तो हम क्या करेंगे यहां पे रॉ सोर्स दे देंगे यूजर, तो इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे नीचे रॉ सोर्स, यहां पे लिख देंगे यूजर। तो यूजर लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये यूजर है, तो हमने यहाँ पे
अब इसको टेस्ट करना है, आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे, ये देखा आपने, ये आपके नाम वगैरह आ गए। तो ये फॉर्म तो इस तरह से बनेगा, और इसकी कोडिंग किस तरह से होगी, फॉर्म जैसे हमने इसमें कलर वगैरह कर लिया, कलर करने के लिए है क्या है, यूजर फॉर्म में क्लिक किया हमने, यहां से हमने पैटर्न में आके ये कलर ले लिया, इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, इसका बैक स्टाइल में क्लिक किया और इसका ऊपर वाली स्टाइल ले ली, तो वो बैकग्राउंड दिखाई देने लगी। इसी तरह से आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद ले लेना है, और नीचे इसका फॉन्ट है और ये फॉन्ट का कलर है, साइज छोटा बड़ा कर लेना। अब ये सब चीज हमने बना ली, अब हमने इसमें करना क्या है, लॉगिन में डबल क्लिक किया, देखें यहां पे है कोडिंग जो आपको सीखनी है, ये पूरी कोडिंग है इसकी जो ये सीखनी है। इसमें मोस्टली इफ स्टेटमेंट का यूज हुआ है। सबसे पहले हमने ये दिया कि इफ यदि टेक्स्ट बॉक्स वन, अब टेक्स्ट बॉक्स वन कौन सा है, इसमें दो चीजें हैं, एक है टेक्स्ट बॉक्स वन और एक है कॉम्बो बॉक्स वन, तो हमें इसमें कॉम्बो बॉक्स का कहीं पे भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, बस एक जगह हमने वीलुकअप का फॉर्मूला लगाते हुए इसका यूज किया। तो इसमें देखें, इसमें आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका नाम है कॉम्बो बॉक्स वन और इसका नाम है आपका टेक्स्ट बॉक्स वन। अब हमने ये ले लिया लॉग इन में, इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू बराबर कुछ नहीं देन, अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है आपने क्लिक कर दिया एग्जिट सब, उस कंडीशन में कुछ भी ना हो, एग्जिट सब का मतलब है जो प्राइवेट सब यानी कि इसका जो मैक्रो शुरू हुआ वो वहीं खत्म हो जाए, एल्स नहीं तो अगर वहां पे कुछ लिखा है तो उस कंडीशन में, इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू बराबर दाऊद एट द रेट 123 यानी जो भी आपका पासवर्ड है, देन उस कंडीशन में क्या हो कि एक्टिव वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो जाए, जो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था अनप्रोटेक्ट हो गए आपके पासवर्ड से, और शीट वन विजिबल ट्रू हो जाए, जो हमने फॉल्स की थी वो यहां पे हमने ट्रू कर ली। उसके बाद हमने एक्टिव वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दिया दोबारा से पासवर्ड से, सेम पासवर्ड से, ये तो आपकी एडमिन की हो गई और ये आपका पासवर्ड हो गया। अनलोड मी, अनलोड मी का मतलब है जो यूजर फॉर्म खुला है वो बंद हो जाए, मैसेज बॉक्स आ जाए वेलकम टू एडमिन, शीट वन डॉट सेलेक्ट, एल्स अगर ये कंडीशन नहीं आए, अगर हमारा यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं होगा, और दाऊद एट द रेट 123 नहीं लिखा है तो क्या लिखेगा, उस कंडीशन में एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट शीट वन विजिबल फॉल्स हो जाए, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट पासवर्ड सेम वही पासवर्ड। अब उस कंडीशन में क्या दे दिया हमने, जब कोई यूजर खोलेगा तो डिम एक्स डिम वाई डिम जेड, इसमें आप कोई सा भी एक अक्षर डिम जरूर लिखना है। अब डिम क्या होता है, आज मैं डिम के बारे में आपको बताता हूं। डिम का मतलब होता है एक डायमेंशन, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, दो चीजों को ये डायमेंशन करके बताएगा, डिम एक्स डिम वाई और डिम जेड। एक्स बराबर यानी एक्स क्या काम करे, हमने एक्स को एक काम दे दिया, वाई को एक काम दे दिया, जेड को एक काम दे दिया, तो आगे हम ये एक्स ये सब ना लिख के एक्स का इस्तेमाल कर लेंगे आगे। अब हमने एक्स को काम ये दे दिया कि एप्लीकेशन जो है उसका वर्कशीट फंक्शन डॉट वीलुकअप, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वीलुकअप कॉम्बो वन डॉट टेक्स्ट, और इसमें आपने एक चीज ध्यान देनी है कि वीलुकअप फॉर्मूले में भी दो कंडीशन होती है जब हम यूजर फॉर्म में लगाते हैं, अगर हमारा जहां पे से हमने वीलुकअप यानी कॉम्बो बॉक्स वन में अगर टेक्स्ट है यानी उसमें एबीसीडी लिखी है तो उस कंडीशन में तो आप सीधा ही दे देंगे लुकअप वैल्यू यानी कि कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, और इसका डेटा कहां से आया, शीट वन की रेंज B3 से E8 तक। अब शीट वन कौन सी है हमारी, शीट वन ये है, B3 ये है और E8 ये है, B3 4 5 6 7 8 CDE E8, तो B3 से E8 तक आ गया। दूसरा कॉलम बराबर जीरो, दूसरा कॉलम कोमा जीरो, यानी यहां पे हो गया आपका लुकअप वैल्यू टेबल
कॉलम नंबर और लास्ट में ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वन बराबर ट्रू और जीरो बराबर फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर मैच होगा तभी वो आंसर देगा। अच्छा, वाई को हमने ये कमांड दे दी कि सेम यही है, अब इसमें कॉलम नंबर थ्री ले लिया और जेड को हमने दे दी कॉलम नंबर फोर, इतना आपने कर लिया। अब इसमें अगर वीलुकअप का वीडियो आप देखना चाहते हैं कि यूजर फॉर्म में वीलुकअप कैसे इस्तेमाल करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। इंडेक्स मैच यूजर फॉर्म में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख सकते हैं। इफ टेक्स्ट बॉक्स वन, अब हमने यहां फिर इफ कंडीशन ली, इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू बराबर जेड, यानी टेक्स्ट बॉक्स वन में जो लिखा है वो जेड है, देन तब क्या हो, एक मैसेज आए कि वेलकम टू दाऊद कंप्यूटर सेंटर, एल्स अगर जेड के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में मैसेज आए कि प्लीज एंटर करेक्ट की और एग्जिट सब, नीचे का कोड बंद हो जाए। एंड इफ, तो जहां इफ स्टेटमेंट शुरू होता है वहीं इफ स्टेटमेंट बंद हो जाए। अगर आप यूजर फॉर्म या वीबीए में पहली दफा देख रहे हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, मैं बिल्कुल एक चीज बारीकी से लेके चल रहा हूं। अब हमने अगली कंडीशन दी इफ, अब जेड का क्रम क्या है, जेड जेड का मतलब है चौथा नंबर की आपका कॉलम, वो कौन सा है, पहला यूजर फॉर्म शीट टू थ्री और ये की, आपकी शीटें और ज्यादा है तो और बढ़ा सकते हैं आप उसको, ये फिलहाल मैंने दो शीटें ली। अब जेड का काम तो फोर की हो गया, लेकिन एक्स का काम हो गया आपका दूसरा, दूसरे में है क्या, दूसरी शीट का, तीसरे में क्या है, तीसरी शीट का। इज एक्स बराबर शो, देन अगर एक्स यानी उसने दूसरा कॉलम देखा और दूसरे कॉलम में शो लिखा है, देन एक्टिव वर्कबुक यानी फिर से आपकी वर्कबुक जो है अनप्रोटेक्ट हो जाए और शीट टू विजिबल ट्रू हो जाए, यानी कि वो शो होनी शुरू हो जाए, अनहाइड हो जाए, और फिर से एक्टिव वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाए पासवर्ड से। एल्स अगर सही नहीं है, शो नहीं लिखा है, तो एक्टिव वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो और शीट टू फॉल्स ही रहे, यानी कि हाइड ही रहे, और आपका वर्कबुक फिर से प्रोटेक्ट हो जाए। एंड इफ, तो ये कंडीशन आपकी यहां से यहां तक एक यूजर की हो गई, सॉरी एक शीट की हो गई। इसी तरह से हम दूसरी शीट की लगाएंगे, दूसरी शीट में क्या है, इफ वाई बराबर शो देन एक्टिव वर्कबुक, फिर से आपने चाहे तो आप इसकी ही कॉपी कर लेंगे और यहां पे क्या होगा कि एक्स की जगह वाई करना पड़ेगा, देन एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट दाऊद और शीट थ्री डॉट विजिबल बराबर ट्रू और एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट पासवर्ड बराबर जो आपका पासवर्ड है। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है, उसका शो नहीं लिखा है वहां पे, तो उस कंडीशन में एक्टिव वर्कबुक जो है फिर से अनप्रोटेक्ट हो, शीट थ्री जो है वो फॉल्स हो जाए यानी हाइड हो जाए, और आपका एक्टिव वर्कबुक जो प्रोटेक्ट है पासवर्ड से वो प्रोटेक्ट हो जाए। एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ, क्योंकि हमने यहाँ तीन इफ यूज किए हैं, ये इफ तो यहाँ खत्म हो गया था आपने देखा, लेकिन ये वाला इफ एक यहाँ खत्म हो गया था, एक इफ जो है ये खत्म हुआ है, और दो इफ जो है ये पिछले हैं, ये वाला इफ जो है कहीं खत्म नहीं हुआ और ये वाला इफ भी खत्म नहीं हुआ, वो हमने लास्ट में बंद करना है। ये जरूर ध्यान देना है आपने कि इफ जितनी बार शुरू करेंगे उतनी बार बंद करेंगे, नहीं तो मैसेज दे देगा कि ब्लॉक इफ विदाउट एंड इफ, अनलोड मी, अनलोड मी का मतलब है ये अनलोड हो जाए एंड सब। इसमें सिर्फ इतनी प्रोग्रामिंग करनी है आपने, और ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब हम इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चलेगा। अब इस विंडो को मैं कर देता हूं बंद, फाइल को चाहे तो आप यही सेव कर लें, इसको क्लोज कर देता हूं। पहले मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूं इसमें एडमिन, तो जैसे एडमिन खोलेंगे तो वेलकम टू एडमिन और शीट वन जो है टू थ्री फोर सारी शीटें आपकी शो हो रही है। शीट का नाम भी बदल सकते हो आप, लेकिन अभी क्या है, ये आपने रिव्यू में यहां से प्रोटेक्ट वर्कबुक,
प्रोटेक्शन के बारे में भी आपने, मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जरूर देखना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि ये अमन है, इसकी की कौन सी है, AM2। शीट 2 जो है वो हाइड है, शीट 3 शो है, सिर्फ शीट 3 और बेसिक शीट शो होगी इसमें, तो इसको हम AM2 अमित की है और तीसरी शीट शो होनी है, इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे पासवर्ड था, अमन सेलेक्ट किया हमने, पासवर्ड दे दिया AM_2, लॉगिन किया, वेलकम टू दाऊद कंप्यूटर सेंटर, और यहां देखा आपने 3 शीट यहाँ पे शो हो गई। अभी क्या है, ये बंदा चाहे तो ये सारी कंडीशन बदल सकता है। अगर हम इसको, तो हमें क्या करना, अपने जो डेवलपर में आके, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, डेवलपर में आना है, विजुअल बेसिक में आना है, और विजुअल बेसिक में आने के बाद ये जितने भी कोड हैं इनको भी आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्शन वाला आपने जरूर देखना है वीडियो, उसमें आपका प्रोटेक्शन की सारी जो भी कंफ्यूजन होंगी वो सब निकल जाएगी। इसमें राइट क्लिक करना है, VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आना है, और आपने प्रोटेक्शन करना है, लॉक कर देना है इसको, यहाँ पे दे देना है आपने, जैसे मैंने वहां पे दे दिया पासवर्ड। आप ये ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया है, ये पासवर्ड देके मैंने ओके कर लिया, अभी मैंने यहाँ पासवर्ड देके ओके कर लिया। अभी क्या है, मैं इसको बंद कर देता हूं, फाइल को यहीं सेव कर लेते हैं, इसको मैंने कर लिया क्लोज। अब मैं इसको डबल क्लिक करके फिर खोलूंगा। अब यहां पे उसने कुछ और की डाल दी, लॉगिन किया तो उसने बोला कि रन टाइम एरर, अनेबल टू गेट प्रॉपर्टीज, एंड कर दिया, वो कुछ काम नहीं करेगा आगे को। आप इसको अनहाइड करना चाहें, अनहाइड नहीं होगी, राइट क्लिक करके जैसे अनहाइड वगैरह कर सकते हैं, वो अनहाइड नहीं। अगर मैं यहां पे सही की डालूंगा तभी वो काम करेगा। अगर मैंने यहां पे डाल दिया daud@123 वेलकम, और ये शीट हमारी खुल के आ रही। तो दोस्तों ये था यूजर और एडमिन के अकॉर्डिंग हमें अपनी शीटों को कैसे हाइड अनहाइड करना है, और किसे किसे हाइड करनी है, किसे किसे शो करनी है, उसकी कंडीशन। अभी मैंने अमन को कर देता हूं मैं शो, और इसको फाइल को सेव कर देता हूं। एडमिन ने ये इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, इसको 2 शीटें शो कराई। अब मैं इसको खोलता हूं यूजर फॉर्म को। अब यहां पे मैंने अमन लिया और यहां पे ले लिया AM_2, लॉगिन किया, तो आप देखेंगे दूसरी और तीसरी दोनों शीटें शो हो गई। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद जरूर आया होगा, और एज ए बिजनेसमैन या एज ए आप कहीं एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम देगा। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमें बताएं कि हमारे इसमें क्या चीज आपको अच्छी लगी और क्या चीज अच्छी नहीं लगी, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो वीडियो को YouTube प्रमोट करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करें, उसमें मैं आपको काफी जो मतलब मैंने बताए हैं वीडियो के लिंक दूंगा, वो आपने देखने हैं, वो भी आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।